दोस्तों, शेफाली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा। आप इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके अंदर हम एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और आधा कटोरी बेसन ऐड करेंगे। बेसन के बाद हम इसमें एक कटोरी भरकर धुला हुआ और बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे। ये देखिए, हमने पालक डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे और आधा चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें आधा ही चम्मच धनिया पाउडर भी डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। हींग से पालक के पराठों का स्वाद दोगुना हो जाता है। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से इस डो को बनाएंगे। ये देखिए, मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसका डो प्रिपेयर करेंगे। इसका डो ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, ये हमारा डो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट की रेस्टिंग के लिए रख देते हैं। इसके बाद अब हम एक प्लेट में सूखा आटा लेंगे और चकला लेंगे। अब इस आटे के हम पोर्शन काटेंगे और अब इसका रोल बनाएंगे और इसका पराठा बेलेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी एक बेड़ी बना ली है। अब हम इसे सूखे आटे से कवर करेंगे और बेलन की हेल्प से बहुत ही हल्के हाथों से इस पराठे को बेलेंगे। ये देखिए, यदि आपको सूखे आटे की जरूरत है तो आप इसे लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये पराठा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम हमारा दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे बेल रही हूँ और ये बहुत ही हल्के हाथों से बेलिएगा। ये भी तैयार है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और उस पर एक तवा रख दिया है। ये गर्म हो गया है और अब इसमें हम पराठा सेकेंगे। ये देखिए, ये एक साइड से सिक गया है, इसको मैंने पलट दिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी सेक सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें दोनों साइड घी लगा दिया है और अब हम इसे इस किसी फ्लैट स्पैचुला की हेल्प से दबा दबा कर सेकेंगे और इस टाइम पर गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, ये पराठा हमारा सिक कर तैयार है। रेडी है। इसके बाद हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से रेडी करेंगे। इसे भी हमने तवे पे डाल दिया है और इस पर भी हम घी लगाकर उसी तरह से सेकेंगे। आपको ये पालक पराठे की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, ये दूसरा पराठा भी लगभग सिक कर तैयार है। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये भी हमारा पराठा सिक कर तैयार।